हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, टाइम बीतते बीतते पता भी नहीं चला और कितने जल्दी जो है अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ जितने भी बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो DOE से स्टडी कर रहे हैं, तो उनको बता दूँ कि अब आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम जो है वो सेप्टेम्बर में होंगे, ठीक है। और ये बहुत ही कम टाइम रह गया, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से आपको अपने मार्क्स लाने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत से बच्चे जो है सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग जानना चाहते थे, और बहुत से बच्चे ये जानना चाहते थे कि जो मिड टर्म के पेपर आएंगे वो कितने मार्क्स के हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पेपर है वो 15 सितंबर के बाद से स्टार्ट है, ठीक है। 15 से 20 या 25 इसी में स्टार्ट हो जाएंगे, और एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी इस तरीके से होगा, ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा आपको। आपको उसी टाइम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिड टर्म के जो आपके एग्ज़ाम हो कितने मार्क्स से आएंगे। अगर मैं 6th से लेकर 8th क्लास की बात करूं पहले, तो इनके एग्ज़ाम जो है वो 60 मार्क्स के होंगे, पेपर जो है वो उनका 2.5 घंटे का होगा। और जो बच्चे 5th तक क्लास के बच्चे हैं उनका पेपर 50 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, अगर हम 3rd से लेकर 5th क्लास की बात करें, ठीक है। 3rd से अगर हम 5th क्लास की बात करें तो पेपर 50 मार्क्स का होगा, और अगर हम बात करें 9th से लेकर क्लास 12th तक की बात करें तो उनका जो मिड टर्म का पेपर है वो 3 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। और मॉर्निंग शिफ्ट वालों का पेपर मॉर्निंग में होगा, इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर इवनिंग में होगा। आप सुन रहे ना मेरी बात। अब आप सैम्पल पेपर कहाँ से करें, देखिए DOE जो है ना वो फाइनल टर्म के पेपर के जो सैम्पल पेपर होते हैं ना वो इशू कर दिया, ठीक है। तो मिड टर्म की तैयारी करने के लिए आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करने पड़ेंगे, आप ये देख भी सकते हैं। आप मिड टर्म पेपर लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, क्लास लिखिए, फिर चैनल का नाम लिख दीजिए, AFC स्टार्टर जैसे लिखा नहीं, फिर जो भी आप सब्जेक्ट का लेना चाहेंगे ना तो वो आपको ईजिली मिल जाएगा। देखो आप इस तरीके से देख सकते हैं ये सारी वीडियोस आ रही है, ये मैंने 8वीं लिखा था तो 8वीं किस तरीके से आ रही है, ऐसे आप 9th की कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी क्लास की वीडियोस देखना चाहते हैं पिछले पेपर की, आप आराम से देख सकते हैं, 2023 की, 2022 की, 2021 की बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, ठीक है। आप चैनल के अंदर जाकर भी देख सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका यूट्यूब पर सर्च करने का, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चैनल का नाम लिखेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने कुछ वीडियोस समझा भी रखी हैं, सैम्पल पेपर समझा भी रखे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करवा रखी है, तो आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।